Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is your host Ghazal Ahmed welcoming you back to your daily dose of economic updates only on Sama Money. Mere saath maujood hai hamare senior correspondent Shakil Ahmed saab joining us all the way from Islamabad. Assalamualaikum Shakil bhai, kya hal chal hai aapke? Waalaikum Assalam Ghazal, aap kaise hain? Theek thaak hain? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन जब से मैंने रात को देखा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो मंथली अपडेट आउटलुक रिपोर्ट शाया की है, इसमें उन्होंने अच्छी खासी खतरे की घंटियाँ बजा दी हैं. हमें कर्जों पर और सूद लगता हुआ नज़र आ रहा है, हमें महंगाई में मजीद इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये सारा सिलसिला है क्या? थोड़ी सी अपडेट तो दें हमें. देखिए, ये रिपोर्ट माहाना बुनियाद पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है और कल भी ये रिपोर्ट जारी की गई है. और इसमें जो सबसे अहम बात है, आपने महंगाई का जिक्र तो किया ही है. उन्होंने कहा है कि 28.5% महंगाई जो है वो रह सकती है. जो मंथ क्लोज हो गया उसका नंबर आज जारी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 27.5% इन्फ्लेशन रेट रहेगा. लेकिन चूंकि हुकूमत ने रात ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है, 13.55 रुपए तक पेट्रोल महंगा कर दिया है, 3 रुपए फी लीटर हाई स्पीड डीजल भी महंगा कर दिया है, तो ये वो मेजर्स हैं कि जिसका इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन के ऊपर. जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो किराए हैं, जो आम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट को, थ्री व्हीलर हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे गाड़ी हो छोटी, उसको यूज करते हैं जो लोग, उनके किराए बढ़ जाएंगे. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक हैं, बसें हैं, बाकी जो चीजें हैं, उनका जो कास्ट है वो बढ़ेगी, तो वो अल्टीमेटली वो शिफ्ट कर देंगे, पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर्स को. तो इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि आने वाले महीनों में कम होगा, रात जो मेजर लिया गया है उससे तो इसमें इजाफे का ही इम्कान है, क्योंकि खाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो एलपीजी है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है. और सर्दियां पीक की हैं, तो जो गैस है वो भी लोगों को महंगी मिल रही है, ऊपर से फ्यूल भी महंगा हो गया, पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया. तो आप देखें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, महंगाई में इजाफा होगा आने वाले दिनों में. जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उसके मुकाबले में हमें नहीं लगता कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी. लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो अलार्मिंग जो चीज जिसको मेंशन किया गया है वो हमारे जो कर्जों के ऊपर सूद है, क्योंकि 4,220 अरब रुपए सिर्फ 6 माह में हमने सूद अदा किया है कर्जों के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है. हुकूमत ने खुद क्लेम किया है कि इस डेट सर्विसिंग की वजह से हमारे ऊपर काफी प्रेशर है जो एक्सपेंडिचर्स हैं. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि गवर्नमेंट को अपने जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो कट करना पड़ेंगे, अगरचे उसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ रही. लेकिन साथ साथ जो बड़ा कट है वो डेवलपमेंट बजट के ऊपर होगा. पीएसटीपी जो है वो इस साल जो रखा गया था उसमें अच्छी खासी कटौती का इम्कान है, क्योंकि ये हुकूमत के दायरे इख्तियार में है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो ना किए जाएं, वो खर्चे रोक लिए जाएं, तो उससे शायद फिस्कल जो डेफिसिट है उसमें कुछ कमी आ जाएगी. लेकिन उससे होगा क्या, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट नहीं होगी, स्लो डाउन होगी, और फिर अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी कमी आएगी. जैसे आईएमएफ ने कहा है कि 2% इस साल इस फिस्कल ईयर के दौरान रहने का इम्कान है, जबकि गवर्नमेंट का अपना जो टारगेट है वो 3.5% है. तो अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कुछ हौसला अफजा फिगर सामने आए थे, 2% से ऊपर थी जीडीपी ग्रोथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर 30 जून तक अगर यही सूरत हाल रही तो 3.5% का टारगेट जो है वो अचीव होता नजर नहीं आ रहा. और साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है कि हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी तकरीबन बढ़ी 7.5% तक. लेकिन जो पैसा पाकिस्तान के पास जो फंड्स आ रहे हैं ये जा कहाँ पे रहे हैं? जा रहे हैं कर्जों पर जो सूद की अदायगी है उसमें, तो नॉन प्रोडक्टिव यूज हो रहे हैं, पैसे सारे जाया हो रहे हैं. जो फंडिंग है, जो रेवेन्यू है, अब कलेक्ट तो किया जा रहा है आम कंज्यूमर से, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मात में भी ठीक ठाक रेवेन्यू हुकूमत जमा कर रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो जा रहा है कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में, तो जाया हो रहा है ये सारा पैसा. ये पैसा अगर डेवलपमेंट पे खर्च हो तो पाकिस्तान के अंदर नौकरियां पैदा हों, रोजगार के मौक लोगों को मिले, और मजमूई जो माशी सरगर्मियां उसमें इजाफा हो. लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर खतरे की निशानदेही की गई है कि जो हालात हैं वो ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो डेट टू जीडीपी का जो जो लीगल जो टारगेट है, जो लिमिट है, उसको भी एक्सीड किया जा रहा है. पिछले कई सालों से होना चाहिए 57.5% ऑफ जीडीपी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, लेकिन इस वक्त वो 74.8% है, यानी पिछले साल से भी बढ़ गई. पिछला साल 73.9% थी. तो टैक्स कलेक्शन के अंदर जो गैप है बहुत बड़ा, उसको हम फिल कर सकते हैं कि अगर हम ये कर्जे जो है इसमें कमी ले आए, क्योंकि उतने ही उसी के मुसावी जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 22% पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट नीचे आ नहीं रहा, महंगाई भी नीचे नहीं आ रही, और साथ साथ पाकिस्तान के जिम्मे कर्जे हैं वो बढ़ रहे हैं. तो हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है
फिस्कल स्टेबलाइजेशन के लिए अब वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्लेम तो ये किया जा रहा है कि हमने स्टेबलाइज कर लिया इकोनॉमी को, हमने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन जो अपने गवर्नमेंट के नंबर सामने आ रहे हैं उससे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही है। उससे तो यही लग रहा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, बेशक क्योंकि हमारे जो बेशक। फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक हुकूमत ये कंट्रोल कर नहीं कर पा रही, केयरटेकर गवर्नमेंट। अच्छा शकील भाई, आपने बात की टैक्स कलेक्शन की, तो हम ये देख रहे हैं कि एफबीआर की जो रिस्ट्रक्शन जा रही है, इसकी इसकी वजह से भी हमारे टैक्स कलेक्शन पे थोड़ा सा मनफी असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखा है कि वो टारगेट्स हिट नहीं कर पाए। देखिए, पहले 7 माह का जो टारगेट था वो तो अचीव कर लिया गया है, बल्कि उसमें 35 बिलियन रुपीज का इजाफा ही हो गया है। 5,115 अरब टारगेट था और 5,150 अरब गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं, लेकिन जो जनवरी के फिगर हैं यानी गुज़श्ता माह जो हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट किया है उसमें 9 अरब रुपये कमी आई है हदफ के जी मुकाबले में। जी हुकूमत का जो हदफ था वो 690 अरब था, लेकिन हुकूमत ने 681 अरब रुपये कलेक्ट किए हैं, तो 9 अरब रुपये का डिफरेंस आया है, ये शॉर्टफॉल आया है। ये काफी अलार्मिंग चीज है और ये इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल बरकरार रही, अगर फरवरी में या मार्च में मजीद शॉर्टफॉल आया या टैक्स कलेक्ट ना हुआ मंथली बेसिस पे, तो गवर्नमेंट को अल्टरनेट मेजर्स लेना पड़ेंगे। वो जो हंगामी प्लान जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले, जी हुकूमत को शायद उस तरफ आना पड़ेगा और एक मिनी बजट हुकूमत को पेश करना पड़ जाएगा, क्योंकि IMF के साथ ये कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है कि अगर हमें टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल नजर आया तो जी हम जी एक हंगामी प्लान लेके आएंगे और जिसके मुताबिक टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाएगी। जाहिर है वो मिनी बजट की सूरत में ही आएगा, और इसमें हमने आपको बताया था कि महाना 18 अरब रुपये हुकूमत का ख्याल है कि कलेक्ट होंगे मिनी बजट, मुजवजा मिनी बजट से, जिसका भी इम्पोज करने का फैसला तो नहीं हुआ लेकिन एक प्लान जरूर मौजूद है। और जी अगर इसको पूरे साल इसको अगर ले जाया जाए तो ये तकरीबन 216 अरब रुपये टैक्स कलेक्शन हो सकती है। उसमें मुतअद्दद मेजर्स हैं जो हुकूमत ने IMF को प्रपोज किए हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि एक आम कंज्यूमर जो चीनी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर 5 रुपये फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है, और हुकूमत का ख्याल है कि महाना बुनियाद पर इससे 8 अरब रुपये जमा होंगे। और इसके अलावा टेक्सटाइल लेदर मसनूआत पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज है, यानी जो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है स्टैंडर्ड रेट 18% हो जाएगा। तो एक आम कंज्यूमर से लेके इंडस्ट्री भी इससे मुतासर होगी, फिर साथ साथ मशीनरी और सनअती खाम माल है उसकी इम्पोर्ट पर 1% एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, साथ साथ कमर्शियल इम्पोर्टर्स की जानब से जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया जाता है उस पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इसके अलावा सप्लाईज पर विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़ है, इसके अलावा सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। महाना तकरीबन 1.5 अरब रुपये इनकम हुकूमत का ख्याल है कि हासिल होगी। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। तो इस तरह ये जो प्लान है मुजवजा प्लान, उसके तहत 18 अरब रुपये महाना और 90 अरब रुपये अगले 5 माह में, और अगर पूरे साल पे इसको अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट या लागू किया तो 216 अरब रुपये हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा, जो कि IMF के साथ कमिटमेंट की जा चुकी है। तो बुनियादी वजह जो आपने क्वेश्चन किया था कि इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो टैक्स मशीनरी है उसका फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन से पिछले माह हट गया, क्योंकि आपको पता है कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी डिजिटलाइजेशन का एक प्लान था जिस पर हुकूमत यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और FBR के अंदर एक टसल चल रही थी। FBR की जो टैक्स मशीनरी है वो नहीं चाह रही थी कि उसको डीस्टेबलाइज किया जाए या कि FBR के कुछ हिस्से टुकड़े किए जाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं और फिर निजी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेके आए और इस तरह उनकी जो एक मोनोपोली या जारदारी है या रिट है जो FBR या टैक्स मशीनरी की, वो उनको खतरे में पड़ती नजर आ रही थी। उन्होंने रेजिस्टेंस की थी कराची में और कुछ दीगर दफातर में, इसके खिलाफ स्ट्राइक भी की गई थी। इसलिए जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ था उसमें 9 अरब रुपए की जो कमी आई है उसकी बड़ी वजह जराया अभ्यास का कहना है कि यही है कि जो फोकस है वो टैक्स मशीनरी का हट गया था और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की तरफ फोकस हो गया बढ़ था। गया था, और मिनिस्टर ऑफ बढ़ फाइनेंस गया की था। मीटिंग हुई, SIFC के अंदर मीटिंग्स हुई, फिर FBR के अंदर मीटिंग्स हुई, अल्टीमेटली निगरान फेडरल कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि अब इसकी हतमी मंजूरी जो है या इसकी जो लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो अगली गवर्नमेंट यानी आम इंतखाबात के बाद जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आएगी वो इसको एग्जीक्यूट करेगी और उसको आगे लेकर चलेगी। लेकिन ये सारा टाइम वेस्ट हुआ, अब रिफॉर्म्स हुई भी नहीं है, एक डिसीजन ले लिया गया सिंबॉलिक कह लें आप, इन प्रिंसिपल कह लें, लेकिन अमली तौर पर उस पर कुछ नहीं हुआ। तो टैक्स मशीनरी का फोकस हट गया, टैक्स कलेक्शन में कमी आई है, अब जनवरी में कमी आ गई, अगर फरवरी में इसको रिकवर कर लेते हो ठीक है, लेकिन फिर आगे बजट भी आना है तो उसकी बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो फिर IMF के साथ जो कमिटमेंट की गई है उसके जी मुताबिक ये हो जी सकता है
कार्ड्स के ऊपर मौजूद है और इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक मिनी बजट हुकूमत या बिहार लेकर आए और जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी तरह शॉर्टफॉल टैक्स में होता रहा तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि आवाम को मिनी बजट का सामना करना पड़े। अच्छा शकील भाई, मेरा इस पे ये सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि आपने बात की कि जनवरी में हम चूंकि वो टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट्स थे वो अचीव ना कर पाए, उससे ये हम देख सकते हैं कि अगर फरवरी में हमने रिकवर ना किया तो टैक्स रेट्स और बढ़ते हुए नज़र आएंगे, सही है? और उस वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करेंगे? सैलरीड पीपल को, क्योंकि सैलरीड पर्सन ही सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। तो इस सब में टैक्स चोरी का कितना बड़ा किरदार है, क्योंकि वो भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी खासी होती है। देखिए, टैक्स चोरी तो जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसके इक्वली तकरीबन टैक्स चोरी पाकिस्तान के बेशक अंदर हो रही है, बेशक गवर्नमेंट के अपने होते हैं। और इस साल जो टारगेट है 9.4 ट्रिलियन रुपीज का, 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ है। तो अगर 5 माह में, पहले 5 माह में FBR ने 5,150 अरब जमा कर लिए हैं, तो अगले, पहले 7 माह में ये जमा किए हैं, तो अगले जो 5 माह हैं उसमें ये बाकी अमाउंट तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर उसमें शॉर्टफॉल आता है तो ये काफी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। अभी तक तो पूरी उम्मीद है FBR हुकाम के हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन जो टैक्स चोरी है वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अपनी कैलकुलेशन है कि 22% ऑफ GDP हम टैक्स टू GDP हम ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो हम बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, टैक्स मशीनरी भी और हुकूमत पाकिस्तान भी, जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट, तो जी हम अंडर परफॉर्म जी कर रहे हैं। तो जो रिफॉर्म्स है जरूरी, वो तो होनी चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, रिटेल सेक्टर है जिसको टैक्स नेट में लाना है, जिसके लिए एक ताजर दोस्त ऐप लॉन्च करने की भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं, जराय का ये कहना है कि 15 लाख से ज्यादा नोटिसेस, टैक्स नोटिसेस जारी किए जा चुके हैं उन लोगों को जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे। उनसे कहा गया है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें, गोशवारे जमा कराएं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इलेक्शंस की वजह से इसमें थोड़ी आप कह लें कि सुस्त रवि आई है, इसमें थोड़ा बेशक स्लो डाउन हुआ है ये बेशक प्रोसेस, जी लेकिन जी लगता ये है कि इलेक्शंस के फौरी बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम करना पड़ेंगे, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है वो उस तरह नहीं है जो होना चाहिए, और अंडर परफॉर्म हम कर रहे हैं। FBR की इस्तेदादे कार्ड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी ये जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, इसके अलावा हुकूमत चलाने के लिए, सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए पेंशन तनख्वाहें और इसके अलावा जो दीगर एक्सपेंडिचर्स हैं, स्पेशली ये जो कर्जों पर हम सूद अदा कर रहे हैं, ये सारा पैसा तभी जमा होगा कि अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे और टैक्स बेस बढ़ाएंगे अच्छा वो लोग। शकील साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम रह गया, तो आप बस मुझे इतना बताएं कि जो हम ये FBR की रिस्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या उससे यकीनन हमें टैक्स चोरी कम होती हुई नज़र आती है? उससे टैक्स चोरी कम होती नजर तो आनी चाहिए, मतलब ये तो एक विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रीस्ट्रक्चरिंग होगी, ओवरसाइट बोर्ड भी बनेंगे, कस्टम्स इनलैंड रेवेन्यू के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उनके DGs होंगे, उनके ऊपर ओवरसाइट बोर्ड होंगे, पॉलिसी की अलग होगी एक जो है वो सिलसिला, और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है उसको मतलब अपना काम बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्स चोरी जो है वो रोकने के लिए पॉलिटिकल विल का होना जरूरी है। मतलब हमारे मुल्क बेशक में पिछले कई बेशक सालों से ये बातें, ये डिसीजन, ये प्रपोजल, ये रिकमेंडेशन डिस्कस तो हो रही हैं, लेकिन जब अमल दरामद की बारी आती है तो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो परमानेंट गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इवन जो फौजी अदवार के अंदर भी हमने देखा है कि काफी रेजिस्टेंस हुई ताजरों की जानिब से, तो रिफॉर्म्स नहीं हो सके FBR के अंदर। तो पॉलिटिकल विल जो है वो होना जरूरी है, और वो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको जो पॉलिटिकल कास्ट है वो उसकी पे करनी पड़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट है, आने वाली जो गवर्नमेंट है, उसको पॉलिटिकल कास्ट पे करने के लिए तैयार रहना होगा, अदरवाइज ये रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो अदरवाइज ये सकेगा। रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच शकील भाई, हमारा वक्त आज के लिए इतना ही था, ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। देखें यार, हम रोज़ आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपका तो इतना करना बनता है ना। इंशाल्लाह आप कल विद मोर न्यू इकोनॉमिक अपडेट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।